लंबे इंतजार के बाद हुंडई मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी कैस्पर से पर्दा उठा दिया। जी हां, इसकी एक्सटीरियर इंटीरियर डिटेल्स जो है वो सामने आ गई है और ये जल्द ही भारतीय सड़कों पे आपको दौड़ती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कैस्पर के बारे में, हुंडई की ये गाड़ी कैसी रहने वाली है, क्या होंगे इसके फीचर्स, क्या है इसके लुक्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं हुंडई कैस्पर के बारे में डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इसके लुक्स की, तो जब इसके लुक्स की बात होती है तो ये देखने में कहीं ना कहीं मिनी या बोलें कि बेबी वेन्यू नजर आती है। दोस्तों, बात करें इसकी लंबाई की, तो जो इसकी लेंथ है वो है 3595 mm और जो इसकी चौड़ाई है वो है 1595 mm, ये चौड़ी है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये 1575 mm की ऊंची गाड़ी ये नजर आती है। यानी कुल मिला के ये जो गाड़ी है परफेक्ट माइक्रो एसयूवी नजर आ रही है। और अब बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, ये किस प्लेटफॉर्म पे डिजाइन की गई है। दोस्तों, हुंडई ने अपनी इस कार को, कैस्पर को, जो है K1 कॉम्पैक्ट कार का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर डिजाइन किया है। जी हां, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हुंडई की i10 नॉइज और सेंट्रो डिजाइन की जाती है। दोस्तों, जैसे हमने बताया था आपको कि ये जो कैस्पर है वो बेबी वेन्यू है एक तरह से, कहीं ना कहीं इसकी जो एक्सटीरियर है उसमें वेन्यू की झलक जो है वो नजर आती है। इसमें फ्रंट में स्लीक सी हेडलाइट्स दी हुई है, स्लीक सी LED लाइट्स दी हुई है और उसके नीचे जो है बम्पर में गोल रिंग्स के साथ हेडलाइट दी हुई है। साथ में न्यू एग्रेसिव बम्पर और बोनट इसका डिजाइन किया हुआ है। टेल लाइट्स में भी नीचे बम्पर के नीचे इसमें लाइट्स हैं और इसकी रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। तो कुल मिला के इस गाड़ी को बेबी वेन्यू होते हुए भी एक नया लुक दिया हुआ है। यानी कि अगर इसके एक्सटीरियर की मैं बात करूं तो वेन्यू से इंस्पायर्ड एक नया एक्सटीरियर, एक नया डिजाइन जो है वो हुंडई लेके आने वाली है अपनी इस कैस्पर के रूप में। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स, इंटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो इसके कैबिन के अंदर की बात करें तो इसके अंदर 7 inches का लगभग टच स्क्रीन सिस्टम शायद इसमें हुंडई देने वाली है, जो देखने पे नजर आ रहा है। साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा और ड्यूल टोन इसका इंटीरियर होगा और जिसके टॉप मॉडल्स में जाने के बाद आपको क्लाइमेट कंट्रोल, AC, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, और जो इसका स्टीयरिंग है वो भी एडजस्टेबल होगा, सीट भी शायद इसके अंदर एडजस्टेबल आने वाली है, यानी आप उनकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें रिवर्स कैमरा, एयरबैग, ABS, EBD जैसी सुविधा भी आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के हुंडई ने इसकी सेफ्टी और इसके फीचर्स पे भी अच्छा काम किया है और सारे लेटेस्ट फीचर इसके अंदर लेने की कोशिश की है जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके इंजन की, तो जहां तक इंजन के बारे में हमें पता लगा है, इसके अंदर 1.1 liter का नेचुरल इंजन होगा जो करीबन 69 BHP की पावर जनरेट करेगा और एक दूसरा इंजन भी इसके अंदर होगा जो 1.2 लीटर का नेचुरल इंस्पायर्ड पेट्रोल इंजन ही होने वाला है और वो करीबन 82 BHP की पावर जनरेट करके आपको देगा। दोस्तों, इसको 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में। फिलहाल दोस्तों, इस रेंज के अंदर मतलब माइक्रो एसयूवी रेंज में इसके कॉम्पिटिटर अभी तो एक ही है, पर आने वाले समय में टाटा भी इसके कॉम्पिटिशन में खड़ी हो जाएगी। जो अभी है वो है दोस्तों मारुति, और इस सेगमेंट में मारुति की इग्निस जो है वो आती है, पर आने वाले समय में टाटा भी अपनी माइक्रो एसयूवी जो है वो लेके आने वाला है, जिसका नाम टाटा ने पंच रखा हुआ है। यानी कि टाटा और मारुति दोनों ही जो है
इसकी कंपटीशन में खड़ी है, इसको कम्पीट करने के लिए खड़ी है। तो चलिए दोस्तों, जब ये मार्केट में आएगी तब हमें पता लगेगा फाइनली किस गाड़ी के ऊपर आप लोग प्यार लुटाते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी कीमत की, तो जहां ये गाड़ी इतनी एग्रेसिव और इतनी खूबसूरत जो हुंडई बना रहा है, और तो इसकी कीमत भी हुंडई बिल्कुल कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिशन में रखते हुए ही सोच रहा है, और वो इसको 5 लाख से और 8 लाख के बीच में लॉन्च करने की अभी इसकी तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हुंडई की कैस्पर, जो आने वाली नई माइक्रो एसयूवी है। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और कुछ कमी लगी हो या कुछ और जानकारी चाहिए कैस्पर के बारे में तो कमेंट में हमें लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय।